बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। चाइना से आया कोरोना वायरस पूरे देश भर में फैल गया। अमेरिका, इटली, जापान, ये बड़े बड़े देश जो हमसे भी बहुत ज्यादा आगे है, यूके, इन तमाम जगहों पर ये फैल गया। और इन तमाम जगहों पर कंट्रोल करने के लिए वहां की मेडिकल टीम लगी, उनके पूरे प्रशासन लगी, उनकी सरकार लगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर सब कुछ जो होता है वो एक श्रद्धा अंधविश्वास के हिसाब से चलता है, उसको श्रद्धा भी नहीं कहा जा सकता। देश के अंदर भी कोरोना वायरस के जहां मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के, वो भी ये कह रहे हैं कि ताली बजाने से कोरोना वायरस की चैन टूटती है, कोरोना वायरस कमजोर पड़ जाता है, ऐसे बयान उनके आते हैं। और यहाँ की जनता का भी क्या कुछ कहना है वो अलग आपका हिस्सा। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपको मैंने बताया था कि कोरोना वाले महादेव जी आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अब कोरोना वाली देवी भी आ चुकी है, वो बिहार में और असम में आ चुकी है। यानी कि अब कोरोना वाले महादेव के साथ कोरोना वाली देवी भी आ चुकी है। महिलाएं ना केवल मंगल गीत गा रही है बल्कि उनकी पूजा आरती भी उतार रही है। असम के अंदर तो इतनी ज्यादा भयानक तौर पर पहुंच चुकी है कि महिलाएं नदी की घाट पर पहुंच रही है और वहां पर जाकर गंगा में अर्थ विसर्जन कर रही है। और महिलाओं का कहना है कि ये कोरोना वायरस जो है पूजा करने से भस्म हो जाएगा, कोरोना वायरस ये देवी है। उनको जब ये पूछे कि ये कहां से आया, किस तरीके से आया, तो उनको कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि जैसे ही यहां हम पूजा करेंगे और उसके बाद एक हवा का झोंका आएगा और कोरोना वायरस पूरे देश में फैल जाएगा और उसके बाद वो हवा के झोंके से वो पूरा वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके की बातें वीडियो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंधविश्वास के दौर में, आज के दौर में भी जहां विज्ञान का मजबूती दावा होना चाहिए, वहां पर भी अंधविश्वास के दौर में भारत के लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं। यहां पर आपको बता दें कि महिलाओं को किसी का कुछ भी नहीं सुनना, इनके पास ना कोई तर्क है ना विज्ञान है, इनका बस इतना ही मानना है कि कोरोना की देवी भी है। कोरोना जितना आपने पहले भी सुना होगा कि चेचक जो बीमारी आई थी उसको भी हमारे यहाँ पर माता का नाम देकर पूजा जाता है। और इसके अलावा अब ये भी आपको बता दें कि कोरोना की देवी आ चुकी। पिछले दिनों कोरोना का महादेव आया था, उससे पहले एक खबर आई थी कि कोरोना वायरस के लिए एक भगवान ने है वो नर बलि मांगी है, जिसके चलते साधु बाबा जी ने नर बलि भी दे दी थी। यानी कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उससे पहले जब कोरोना वायरस आया था तब गोमूत्र पार्टी रखी गई थी। तो यानी कि हम देखने की कोशिश करें तो पूरी दुनिया है वो चुनौतियों से लड़ रही है और हम किससे लड़ रहे हैं वो आप लोगों को पता है। देश के अंदर आज कोरोना वायरस का इतना विकराल रूप हो चुका है कि हम इटली को पीछे पछाड़ चुके हैं। लोग कह रहे थे कि इटली सबसे ज्यादा है, लेकिन आज इटली को हम पछाड़ चुके हैं, इतने आगे हम कोरोना वायरस के मामले में आ चुके हैं। और आज देश के टॉप 10 के अंदर हमारी अच्छी खासी रैंक हासिल हमने कर ली है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रैंक नहीं है लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों की रैंक है। वैसे भी आपको बता दें कि लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि पीपीए किट जो दिए जा रहे हैं डॉक्टर्स को, उनके भी इतने गुणवत्ता जो है उतनी कमजोर है कि लोगों को पीपीए किट पहनने के बावजूद भी कोरोना वायरस संक्रमण पाया जा रहा है। तो यानी कि हम देखने की कोशिश करें तो देश में कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा है कि उसको रोकने के लिए सरकार हो या शासन हो, प्रशासन हो, पूरा दुनिया लगी हुई है, लेकिन भारत के अंदर जो लोग हैं वो अलग ही तरीके से और अपनी मनमर्जी के हिसाब से अलग ही कुछ राग अलप रहे हैं, जिनको देखकर बहुत दर्द भी होता है और तकलीफ भी होता है कि क्या ऐसा भारत विश्व गुरु कहलाएगा या भारत विश्व गुरु फिर से बन पाएगा। मिलेंगे इसमें वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आया।